हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज नई एक वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। ये वीडियो है क्रॉल की। क्रॉल यानी कि आप देखा होगा आपने कि फौजी बॉग जिसको बोलते हैं, या फिर डॉग पैरों पे इस तरीके से चलता है ज़मीन के सहारे, खड़ा नहीं होता है चारों पैरों पर, तो उसको बोलते हैं क्रॉल। ठीक है, तो आज हम इसको सिखाएंगे, बहुत डिमांडिंग वीडियो है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग तक पहुंचाने वाले हैं। बस बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, इससे पहले सिखाना पड़ता है, उसके बाद वीडियो शूट होती है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ड्यूक, कम हियर, ये दो हैं, ये जिसके कॉलर पड़ा हुआ है ये ड्यूक है, और ये है फ्रेया। नो फ्रेया, गुड। और फ्रेया थोड़ा सीख चुकी है और ड्यूक को थोड़ा कम है, अभी अंडर ट्रेनिंग ये चल रहे हैं, प्रैक्टिस तो दोनों की चल रही है, बट जितना है मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं जल्दी। तो जब ये इनको सिखाएंगे तो देखेंगे आपको कि जो सीखने के बाद कैसे करता है, और जब अंडर ट्रेनिंग होता है तो डॉग कैसे करता है, आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डॉग को जो नहीं सीखा हुआ है मैं उस पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, डाउन हेयर, डाउन पोजिशन में लाइए डॉग को, डाउन हेयर, और ट्रीट दिखाती हूँ, दूर को लेके जाइए। गुड, शाबाश, गुड बोलते रहिएगा जैसे जैसे डॉग आगे बढ़े। तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ट्रीट करना है। ठीक है, ट्रीट कई सारी हाथ में ले लेनी है। टेक इट, इट, गुड, क्रॉल, क्रॉल, क्रॉल बोल सकते हो, डाउन वॉक बोलते रहिए, डाउन वॉक, डाउन वॉक, गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आपका डॉग नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में कॉलर की हेल्प भी ले सकते हो आगे खींचने के लिए। ठीक है, बट इसको नहीं खींचना पड़ रहा है अभी। टेक इट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्रॉल, क्रॉल, वॉक, वॉक, गुड। और इस तरीके से आपको टारगेट फिक्स कर लेने हैं। जैसे मैंने इसको टारगेट बनाया है कि इस लाइन तक मुझे आना है। ठीक है, ये वाइट लाइन तक आना है, तो मैं ऐसे ही लेके आता हूँ। आप दिखाता हूँ क्रॉल कैसे करता है दूसरा डॉग। टेक इट, फ्रेया, फ्रेया, सीखने के बाद कम है, गुड, टेक इट, गेट अप, टेक इट, क्रॉल, गेट अप, सेट, पहले पोजिशन में बैठा देना है। ठीक है, और स्टैंड अप, स्टैंड अप फ्रेया, स्टैंड अप, गुड, सिट, डाउन। अब मुझे वहाँ बाउंड्री टच करानी है वाइट वाली, क्रॉल, क्रॉल कैसे भी करके, और सिर्फ दो बार ट्रीट करूँगा इसमें, क्रॉल, गुड गर्ल, गुड, शाबाश, अप्रिशिएट करते रहना है, गुड, क्रॉल, डाउन वॉक, क्रॉल, गुड, क्रॉल, 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 कम हियर, कम, टेक इट, गुड। जब थकने लगे तो उसको ट्रीट कर देना जिससे कि रुके ना, कम कम, क्रॉल, क्रॉल, कम हियर, डाउन वॉक, डाउन वॉक, क्रॉल, दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी बोलूँ तो ये कर ले जिससे कि, क्रॉल, गो देयर, गो अवे, डाउन वॉक, क्रॉल, क्रॉल, कम, फ्रेया, टेक इट, फ्रेया, क्रॉल करो, क्रॉल करो, थक गया, गुड, क्रॉल, कम, टेक इट, वॉक। तो इस तरीके से डॉग बहुत जल्दी थक जाते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप अगर इसको ग्रास में कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेगा डॉग। ठीक है, तो ग्रास में जब इसको लेके जाएंगे डॉग को, तो वहाँ क्या होता है, इनके पैर घिसते नहीं है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा नाखून भी घिस जाते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं और आप लोगों को क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ मैं इसको ग्रास में कराता हूँ। तो इससे क्या रहेगा ना, इसके नाखून घिसते रहेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो इनके नाखून ज़्यादा घिसने के बाद ना और स्किन भी छिल सकती है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस ना कराएं। रफ सरफेस पे आपको करानी है तो लॉन में ले जाके ही कराएं इसकी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी होता है, अगर आप उसके थ्रू सिखाना चाहते हो तो पर्सनली हम आपको आपके घर पर ही सिखाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर। तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उन नंबरों पर हमें केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा, हम आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।